iQOO Neo 9 Pro का प्री बुक स्टार्ट हो गया है और इस फ़ोन का सेल आपको 22 फरवरी को देखने को मिलेगा दोपहर 12 बजे। तो इस वीडियो में हम आपको iQOO Neo 9 Pro को प्री बुक कैसे करना है, क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, कितना डिस्काउंट होने वाला है, क्या प्राइस होने वाली है, तो इस फ़ोन से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोग इस फ़ोन को प्री बुक कराते हो तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप लोग इस फ़ोन को प्री बुक कराते हो तो आपको 1000 का कूपन डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप बैंक डिस्काउंट भी अप्लाई कर पाओगे, बट प्री बुक कराने पर आपको 1000 एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सेकंड बेनिफिट की बात की जाए तो नॉर्मली ब्रांड 1 साल का वारंटी प्रोवाइड कराता है अपनी न्यू स्मार्टफोन में, बट अगर आप लोग iQOO का ये फ़ोन प्री बुकिंग कराते हो तो आपको 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल 2 साल का वारंटी देखने को मिल जाएगा। थर्ड बेनिफिट, अगर आप लोग इस फ़ोन का प्री बुकिंग करा लेते हो तो ये फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक भी होता है सेल के टाइम, तब भी आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा और आप इस फ़ोन को ऑर्डर कर पाओगे। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि इस फ़ोन को प्री बुकिंग कैसे करना है। तो इसके लिए आपको Amazon के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको iQOO का बैनर देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करते हैं। अगर ये बैनर आपको शो नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में इस फ़ोन का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस पेज पर इंटर हो जाओगे। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्री बुक, और आपको यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। तो इसका पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर प्री बुक पर क्लिक कर देना है। इसे आप प्री बुक पर क्लिक करोगे तो आपको ऐड मनी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे यूपीआई या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जिस भी थ्रू आप Amazon के वॉलेट में 1000 को ऐड कर लेना। जैसे ही आप वॉलेट में 1000 ऐड कर ले तो आप यहाँ से इसे प्री बुकिंग कर पाओगे। तो और जैसे ही आपका प्री बुकिंग कंप्लीट होता है, इन केस अगर आपको लगता है कि ये फ़ोन आपको नहीं लेना है तो आप इसको कैंसिल कर पाओगे और ये 1000 का जो अमाउंट है वो रिफंडेबल है, आपका पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। बट Amazon का जो पैसा है वो आपके Amazon के वॉलेट में आएगा। इस वॉलेट के पैसे को कहीं पर भी यूज कर पाओगे। अब अगर आप लोग इस फ़ोन को iQOO की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर दो तो आपको यहाँ पे iQOO की तरफ से कूलिंग पैड देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस 2500 रुपये है। बट Amazon पे ऑर्डर करने पर आपको कूलिंग पैड का ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने प्री बुकिंग करा लिया है तो बाकी का पेमेंट आपको कैसे करना है। तो आपको 22 फरवरी को Amazon के पेज पे आ जाना है और आपको दोपहर के 12 बजे Amazon को ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपको कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा ICICI बैंक का। तो अगर आप लोग कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको बाकी का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। कहती इसकी प्राइस की, अब इस फ़ोन का जो प्राइस है वो आपको 40,000 से नीचे ही देखने को मिलेगा। हो सकता है बैंक डिस्काउंट के साथ ये आपको 35,000 तक का देखने को मिल जाए, उससे कम भी हो सकता है। इस फ़ोन के बैंक डिस्काउंट या EMI से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं ये ऑफ़र कब तक रहेगा। तो अगर आप लोग इसे 22 फरवरी से पहले ही प्री बुक करा लेते हो और 22 फरवरी को दोपहर के 12 बजे आप कंप्लीट पेमेंट कर देते हो तो आपका ये फ़ोन कंप्लीट बुक हो जाएगा। अब अगर आप लोग 22 फरवरी के बाद करते हो तो हो सकता है अगर ब्रांड इसके बैंक ऑफ़र को चेंज करता है तब हो सकता है आपको ये ऑफ़र देखने को ना मिले। अब अगर ब्रांड इस फ़ोन का जो प्राइस है वो 35,000 के आसपास लाता है तो यहाँ पे आपको कॉरकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अब वैसे iQOO के फ़ोन गेमिंग को टारगेट करते हैं, बट यहाँ पे कैमरा भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 920 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा। और वहीं बैटरी की बात की जाए तो 5160 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा विथ 120 वोट के चार्जर के साथ। तो ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है। ब्रांड क्लेम करता है कि 11 मिनट में ये फ़ोन 50% चार्ज हो जाएगा। ये फ़ोन गेमिंग को टारगेट करता है तो यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्या आप लोग इस फ़ोन को लेने वाले हो, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।